नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त है सुपरफास्ट 200 का, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं तीन बड़ी खबरें जिस पर आज सभी की नजर रहने वाली है। तीन राज्यों में बीजेपी की हैट्रिक के बाद अब सीएम पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। महज एक राज्य जीतने वाली कांग्रेस भी आज तेलंगाना में कांग्रेस विधायकों की बैठक करेगी, जिसमें नए सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। तो वहीं आज से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान सरकार कई बिलों को पास कराने की कोशिश करेगी। ये तीन बड़ी खबरें, और इन तीनों ही बड़ी खबरों पर आज दिन भर इंडिया टीवी की नजर रहेगी, और इन खबरों से जुड़ा पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बात सबसे पहले राजस्थान की, जहां बंपर जीत के बाद अब सीएम के फेस को लेकर अटकलें का दौर शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की बड़ी जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। इस बंपर जीत के बाद हर कार्यकर्ता खुश नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं के चेहरों पर खुशी है। बड़ी जीत के बाद नेताओं के चेहरे भी खिले हुए हैं। कार्यकर्ताओं नेताओं दोनों का जोश हाई है। राजस्थान में बीजेपी ने किसी को भी सीएम फेस के लिए हालांकि प्रोजेक्ट नहीं किया था, और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में राजस्थान का ये चुनाव लड़ा गया, जिसमें बीजेपी को बंपर जीत हासिल हुई। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नए सीएम फेस को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक हलचल तेज हो चुकी है। सूत्रों की माने तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया सांसद और तिजारा सीट से विधायक का चुनाव जीते बाबा बालकनाथ, राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सांसद दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। इनके नाम इस रेस में शामिल है। इसी बीच आज अलवर सांसद और तिजारा से विधायक बने बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। बाबा बालकनाथ संसद सत्र में शामिल होंगे, और इस दौरान वो बीजेपी आलाकमान से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो नए सीएम फेस को लेकर दिल्ली से जयपुर तक हलचल तेज है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया सांसद और तिजारा सीट से विधायक का चुनाव जीते बाबा बालकनाथ, और इन सबके नाम, जो पांच नाम है, वो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, किन नामों को लेकर चर्चा हो रही है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अब जो राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री के कयास लगाए जा रहे हैं वो इन्हीं नामों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। अब ऐसे में जिन पांच नामों को लेकर चर्चा की जा रही है, वो पांच नाम आप हमारी एलईडी पर देख रहे हैं। सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री की रेस में वसुंधरा राजे सिंधिया का है। एक बार फिर से भारी मतों से झालवाड़ा सीट से इन्होंने अपना चुनाव जीता है, और इनके छह जो समर्थक हैं विधायक उन्होंने भी अपना चुनाव जीता है। और ऐसे में कयासों का बाजार ज्यादा तेज है, गर्म है कि इन्हें मुख्यमंत्री प्रदेश का बनाया जा सकता है। अब अगले नाम की बात करते हैं। अगला नाम है सांसद बाबा बालकनाथ का। अलवर से ये सांसद हैं। इसके अलावा तिजारा सीट से चुनाव लड़ा, विधायकी का वो चुनाव जीता। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको पता होनी चाहिए, आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, और ऐसे में बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। संसद के सत्र का ये हिस्सा होंगे। इसके अलावा आलाकमान से भी उनकी बातचीत होगी, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। वसुंधरा राजे की बात की जाए, दो बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं राजस्थान की, दो बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। 53,193 वोटों के अंतर से इस बार फिर से चुनावों में जीत हासिल की है। झालवाड़ सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है, यह उनकी परंपरागत सीट है। 1,38,831 वोट वसुंधरा राजे सिंधिया को मिले हैं, और इनके समर्थकों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है विधायकी के इस चुनाव में, और भारी संख्या में समर्थक भी जीते हैं। और लगातार जैसे ही ये खबर सामने आई राजस्थान से कि वसुंधरा राजे ने चुनाव जीत लिया है, तो उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग समर्थकों की तरफ से उठने लगी। अब दूसरे प्रमुख नाम की बात करते हैं। दूसरा नाम है बाबा बालकनाथ का। अलवर से सांसद हैं और फायर ब्रांड नेता हैं बीजेपी के। इसके अलावा तिजारा से विधायकी का चुनाव उन्होंने जीता है। कांग्रेस उम्मीदवार को 6,173 वोट के अंतर से उन्होंने हराया, और ये जीत उन्होंने दर्ज की। और आपको बता दें कि तीसरा जो नाम है वो दिया कुमारी का है, सांसद दिया कुमारी का। राजसमंद से लोकसभा चुनाव इन्होंने जीता था 2013 से 18 तक। विद्याघर नगर से ये विधायक भी रही हैं। इस बार विधानसभा का चुनाव 71,000 वोटों से इन्होंने जीता है। जयपुर राजघराने की लोकप्रिय सदस्य हैं, और मुख्यमंत्री के रूप में चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जब इंडिया टीवी ने बात की थी इनसे, तो उन्होंने इन बातों से इनकार किया था। चौथे नाम की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी। चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष की कमान इन्होंने संभाली थी और अहम जिम्मेदारी निभाई थी। सीएम रेस में डार्क हॉर्स कहे जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि
ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब पांचवें और अंतिम नाम की बात करते हैं जो रेस में चल रहा है आगे, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात की जाए तो लगातार आप चुनावों के दौरान रैलियों में और अलग अलग इंटरव्यूज में उन्हें सुनते आए, शुरू से ही राजस्थान में बीजेपी की जीत के लिए आश्वस्त थे और देखिए किस तरह बहुमत के साथ राजस्थान में बीजेपी ने जीत हासिल की है। मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कौन से वो पांच नाम हैं उनके बारे में मैं बता, मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौन से वो पांच नाम हैं उनके बारे में मैंने बताया जिनको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, राजस्थान से किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं? देखिए बिल्कुल, ये जो पांच नाम आपने बताए हैं ये वाकई में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत तेजी से सामने आए, लेकिन सब में पहला नाम है वसुंधरा राजे, जिसको कोई भी अंडर एस्टिमेट इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि दो बार की वो मुख्यमंत्री रही हैं और एक बहुत सशक्त चेहरा है राजस्थान का। वसुंधरा राजे ने जोड़ तोड़ शुरुआत कर दी है, बहुत पहले से ही तमाम विधायकों से बातचीत करनी शुरू कर दी है। कल के मोमेंट आप देखिए, जैसे जैसे नतीजे आ रहे थे और जब साफ हो गया कि बीजेपी का बहुमत आ रहा है तो अचानक से गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली बुला लिया गया, रात को बाबा बालकनाथ को बुला लिया गया, आज वो संसद सत्र में शामिल भी होने वाले हैं, और दिया कुमारी जो शुरुआत से एक ऐसा चेहरा कि राजसमंद, पहले सवाई माधोपुर से विधायक का चुनाव लड़ी थी, उसके बाद राजसमंद से सांसद का चुनाव लड़ी और उसके बाद उनको सबसे सेफेस्ट सीट राजस्थान की दी गई, वो है जयपुर की विद्याधर नगर। तो एक ये माना जाने लगा कि एक ऐसा चेहरा जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है और संघ परिपाटी से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो उसको आगे बढ़ाया जाए। तो जिस तरीके से पार्टी ने दिया कुमारी को फ्रंट फुट पे लाया है तो उनका नाम भी इस तरीके से कॉरिडोर में चलने लगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती है। लेकिन इक्वेशन राजस्थान के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार के चुनाव में मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री के लिए इक्वेशन वही फिट होगा, जातिगत इक्वेशन, और सबसे बड़ा यह कि 2024 के लिए एक बड़ा मैसेज जाए, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं यह चेहरा तय किया जाएगा। इनमें यह पांच प्रमुख नाम है, लेकिन वसुंधरा राजे के लिए मैं मान इसलिए भी रहा हूं क्योंकि वसुंधरा राजे ने पूरी ताकत लगा दी है, इस बार का चुनाव उनके डू डाई के लिए है क्योंकि जो उनके बेटे हैं दुष्यंत सिंह वो सीनियर सांसद हैं। लेकिन उनकी मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजस्थान का, ये आलाकमान तय करेगा और आलाकमान के फैसले का इंतजार रहेगा। बहरहाल नजर बनाए रहिएगा मनीष, हम आगे भी आपसे अपडेट इस बड़ी खबर पर लेते रहेंगे। शुक्रिया।